नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। संदीप मित्तल आईपीएस, ये उस पुलिस अधिकारी का नाम है जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट समझा जाता है। ये पुलिस अधिकारी है जिसने कुछ दिनों पहले लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को ट्विटर पर हॉक दिया था। पूछा था कि बताइए कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में पुलिस नहीं दाखिल हो सकती है। जावेद अख्तर चुप। इसके बाद जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर की बारी थी। फरहान अख्तर के भी ट्वीट करने पर उन्होंने मुंबई पुलिस और एनआईए को हलाका दिया। संदीप मित्तल ने कहा कि फरहान ने जो लिखा है उसमें धारा 121 यानी जो देशद्रोह, देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की जो धारा है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। अब ये सब झंझट खत्म हुआ तो संदीप मित्तल ने ट्विटर पर लिखा कि उनका अकाउंट आंशिक रूप से हैक हो गया है, पार्शली हैक्ड। कारण बताया कि जावेद अख्तर और फरहान अख्तर को डांटने के बाद, सवाल पूछने के बाद ऐसा हुआ। कहा कि अख्तर द्वय से सवाल करने के बाद मेरा अकाउंट पार्शली हैक हो गया, मैं दिल्ली पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा। लोगों ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन संवेदना पूरी होती उससे पहले एक हैकर आ गया। हैकर का नाम एलियट एंडरसन। हैकर साहब ने बता दिया कि संदीप मित्तल का अकाउंट हैक नहीं हुआ है, बस संदीप मित्तल ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर अकाउंट से पॉर्न देखा था और हिंदी में कहें तो अश्लील सामग्री, और कह रहे थे कि अकाउंट हैक हो गया। एलियट एंडरसन ने ट्वीट करके लिखा, मेरे प्यारे संदीप मित्तल भाई, हमें बात करने की जरूरत है। आपका अकाउंट आंशिक रूप से हैक नहीं हुआ था, आप पॉर्न पसंद करते हैं, बस इतनी सी बात है। वैसे आपने पहले पॉर्न कंटेंट लाइक किया है, आप बहुत बड़े डाटा प्राइवेसी एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपने सब रिमूव करना भूल गए। इसके बाद एलियट ने संदीप मित्तल को उकसाने का प्रयास किया और स्क्रीनशॉट लगाया और बताया कि संदीप मित्तल ने यह खुलासा करने के बाद एलियट एंडरसन को ब्लॉक कर दिया। बस इतनी सी बात होती तो क्या होता। संदीप मित्तल ने थोड़ी देर बाद ब्लॉक खोल भी दिया, अनब्लॉक कर दिया, जिसके बारे में एलियट एंडरसन ने लिखा कि संदीप मित्तल ने उन्हें आंशिक रूप से ब्लॉक किया था। हालांकि संदीप मित्तल ने इस पूरे खुलासे पर अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दी है। अगर आप अभी भी एलियट एंडरसन को नहीं जानते हों तो बता दें कि उन्होंने कुछ एक सालों पहले आधार कार्ड पर बवाल किया था। कई सरकारी वेबसाइटें, कई सरकारी एजेंसियों, कंपनियों की वेबसाइटें और को चेक किया उन्होंने और कुछ ही मौकों, कुछ ही क्लिक्स के साथ निकाल लिया कि भारतीय नागरिकों का आधार डाटा सुरक्षित नहीं है। पता चल जा रहा था कि नागरिकों की संवेदनशील जानकारियां ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो जाती। तो ये है पूरा मामला, जिस पर आपकी क्या राय है हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक कीजिए। हमारा ऐप है Google के Play Store पर, डाउनलोड कीजिए द लल्लन टॉप ऐप। सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। कैमरे के पीछे है रूहानी, देखते रहिए द लल्लन टॉप.com। शुक्रिया।